some months, months, almost 7 months old. दो माह पूर्व ये बैठक हुई थी और सभी में चर्चा थी कि काफी फ्रूटफुल ये मीटिंग रही। जो संवाद न होने की वजह से कई चीजें आदान प्रदान नहीं हो पाती हैं वो यहां पर आदान प्रदान हुआ, तो एक दूसरे से कहां पर कौन खड़ा है ये भी मालूम पड़ा और हमको क्या करना चाहिए ये भी मालूम पड़ा। उसमें मिनिस्ट ने ये भी देखा कि कुछ चीजों में संतोषजनक कामगार, कुछ चीजों में कुछ बिंदुओं में थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति है, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। मैं इंगित नहीं करूंगा, सब अभी आपने सामने बात हो चुकी है, किन चीजों में हम लोग ध्यान नहीं दे पाए और किस विषय पर हम ठीक से ध्यान दिए तो अच्छे परिणाम मिलते। आप सब के वजह से उच्च शिक्षा विगत समय में जो नंबर पे था उससे कहीं आगे अब दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश में सब विभागों में, और प्रयास करेंगे तो नंबर एक पे आना चाहिए, क्योंकि चाणक्य ने कहा है राजनीतिक नेता और जो राजनेता संतुष्ट हो गया वो खुश रहेगा। आप सब लोग राजनीति मतलब राजकाज से जुड़े हुए हैं, अगर हम अपने को संतुष्ट ना रहे कि यहां कर लिया बहुत बहुत है तो फिर वहां से पिछड़ने का नंबर शुरू हो जाएगा। तो हम लोगों को अपने काम पर संतोष नहीं करना चाहिए और आगे कैसे बढ़े इस पर विचार करके और नया क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं शिक्षा नींव है मानव जीवन की। काफी समय अच्छा काम हुआ है, कुछ नहीं हुआ, और जो निर्देश मिलता है वो नीचे तक पहुंचना चाहिए। उदाहरण के लिए पिछली बार मुख्यमंत्री जी की एक योजना थी सड़क सुरक्षा महामारा की, ये तय हुआ था यहां पर कि यहां मौजूदा लोग विश्वविद्यालय से और अपने अपने महाविद्यालय संपर्क करके कुछ होर्डिंग लगवाएंगे। बहुत ज्यादा खर्चे की बात नहीं थी, दो होर्डिंग विश्वविद्यालय कैंपस में उसके बाहर लगवाना किसी भी महाविद्यालय के लिए किसी विश्वविद्यालय के लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन कम देखने को मिला। ये जागरूकता अभियान था और ये जागरूकता नहीं है एक माह तक के लिए, एक माह तो विशेष सप्ताह बनाया गया, ये जागरूकता तो सतत चलनी चाहिए कि सड़क सुरक्षा के लिए, क्योंकि कोरोना के 3 साल में जितनी मृत्यु नहीं हुई जितनी 1 साल की दुर्घटना में हो गई है, ये चिंता की बात है। और दुर्घटनाएं उस लापरवाही से होती जो सुरक्षा के नियम का पालन नहीं होता, वो होना चाहिए था नहीं हो पाया। मैं तो कई महाविद्यालय में घूमा, विश्वविद्यालय भी गया, तो मुझे कहीं होर्डिंग लगे नहीं दीजिए, एक आध जगह दीजिए भी। तो इस उदाहरण से कहने का मतलब यह है कि जो तय हो जाए उसको नीचे तक उतारना, ये होने में भी लग सकते हैं, क्योंकि तो एक महत्व तो बनाया उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर, लेकिन ये तो फॉर एवर की चेतना है। अब लगवाए आप वहां से मॉनिटरिंग कैसे की जाती है आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जिस जिस महाविद्यालय को कहना है उससे पूछना, वहां का फोटो व्हाट्सएप करके भेज दे, मालूम पड़ जाएगा जी वो थोड़ी फिजिकली जाने की। उदाहरण के तौर पे आगरा में यदि मैडम कहती हैं कि आगरा कॉलेज सेंट जोस कॉलेज आरबीएस कॉलेज में कुंडली देवी पी डी जैन लगाने हैं आप लोग और 15 दिन के अंदर उसकी फोटो भेज दीजिए, हो गया, मालूम पड़ जाएगा जहां से नहीं आया वहां नहीं होगा।
तो आजकल जब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है तो घर बैठे सब काम हो सकता है। ठीक है, संसाधन चाहिए, उसकी चिंता कर रहे हैं हम लोग बैठ के बच आप लोगों की, और कार्य भी अच्छा होना चाहिए, इसकी भी चिंता हम सबको करनी पड़ेगी। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, उसके परिणाम भी आ रहे हैं सामने, लेकिन और अच्छा करें जिससे पूरे देश में उत्तर प्रदेश की शिक्षा का नाम हो सके। और ना इस समय वो भी था, उत्तर प्रदेश का बड़ा हुआ बड़ी अधिकार से देखा जाता था पूरे देश में, अब धीरे धीरे उसका फलसा भी बदल रहा है और वो आप सभी लोग के हाथ में है। हमसे जो अपेक्षा करेंगे हम करेंगे, आपसे हम अपेक्षा करें आप करें, यही आपसे अनुरोध करना था। धन्यवाद। कुछ नया और ज्यादा परिवर्तन हो रहा है और पूरी उम्मीद है सर कि पूरी आपकी